हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पोको M3 की टच की सप्लाई कहां से कहां तक है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके कनेक्टर पर। ये देखिए इसका कनेक्टर है और ये 28 नंबर जो पिन है हमारी, ये हमारी वोल्टेज की सप्लाई है। यहां पे एक कैपेसिटर दिया हुआ है, उसके बाद ये रजिस्टर है। यहाँ से जंपर कर दें अगर सप्लाई मिसिंग है वोल्टेज की। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये रजिस्टर दिया हुआ है। यहाँ से चलते हैं आगे, इस पर 1.8 वोल्टेज आता है। फिर ये सीधा हमारा पावर आईसी में, यहाँ पे कैपेसिटर दिया हुआ है, फिर ये सीधा हमारा पावर आईसी में जाती है इसकी सप्लाई। ये देखिए अब देखते हैं अगली सप्लाई। ये देखिए ये यहाँ पर 36 नंबर पिन है, यहाँ से होती हुई ये हमारी रीसेट की सप्लाई है। यहाँ पे पीछे एक रजिस्टर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे रजिस्टर है। यहाँ से चलते हैं आगे, फिर ये सीधा हमारा CPU में जाती है इसकी सप्लाई। अब देखते हैं अगली सप्लाई। ये 37 नंबर पिन से होती हुई ये यहाँ पे देखिए रजिस्टर दिया हुआ है, यहाँ से भी जंपर कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे, फिर ये भी सीधा हमारा CPU में ही जाती है। ये देखिए अब देखते हैं अगली सप्लाई। यहाँ 38 नंबर पिन से होती हुई और ये वाली 39 नंबर से और ये 40 नंबर और ये 41 नंबर, यहाँ से होती हुई ये सारी सप्लाई। ये देखिए ये चारों की चारों हमारी CPU में जाती है सप्लाई। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।